चलो, नहीं ब्लॉक में डिस्प्ले कराया था ना अपन, ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर। चलो ब्लॉक कंट्रोलर में नीचे नीचे, हाँ यही ब्लॉक कंट्रोलर इसी के। हाँ तो यहाँ फाइंड कर लिया, तो चलो अब डेटा हमें कहाँ शो कराना होगा, टेबल के फॉर टेबल में है ना, कहाँ डेटा शो कराना होगा, फ्रंट एंड पे। डेटा कहाँ शो होगा, फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड पे ठीक है। तो चलो कैसे होगा, तो लाइन नंबर 6 को कंसोल कर लो। और एक बात ध्यान रखना सब लोग, जब आप लोग फ्रंट एंड पे डेटा शो कराओ ना टेबल पे, तो पहले कंसोल करके चेक कर लेना, ठीक है। आप मुझसे बोलोगे सर मेरा डेटा नहीं चल रहा, तो मैं ये पूछूंगा आपने कंसोल में चेक किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अब चलो, अब हमें डेटा शो कराना है फ्रंट एंड पे, तो अब यहाँ से डेटा लेके जाना होगा हमें ईजीएस पे। कहाँ लेके जाना होगा, ईजीएस पे, यहाँ से डेटा लेके जाना होगा ईजीएस के पास। तो अपन क्या करेंगे, लाइन नंबर 7 में आओ, लाइन नंबर 7 की मिनट ये लिखा ना कॉमा के बाद, सिंगल कोट कॉमा लगाओ, हाँ लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले कॉमा, अंदर अंदर ही, अंदर ही, अंदर ही, अंदर ही, अंदर ही लगाना होता है। हाँ अंदर लगा दो, नहीं उसके बाहर, सिंगल कोट बाद, हाँ इस जगह लगा दो। हाँ बस, अब हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा, जो डेटा में डेटा आ रहा है ना, यहाँ से डेटा मुझे व्यू पे पहुँचाना है, ठीक है। तो अब व्यू पे जाएगा कैसे, जाएगा तो इसी की मदद से ना, रेंडर की मदद से, res.render, यही तो जाता है वहां पे, है ना। तो इसी की मदद यस से हम सर, क्या करेंगे, अपना डेटा पहुंचा देंगे और फिर उसको अपन फॉर ईच में शो करा लेंगे। क्योंकि अब जो डेटा आ रहा है ना, वो मल्टीपल डेटा आ रहा है ना, जो डेटा आ रहा था वो मल्टीपल आएगा, तो मतलब कहानी यहाँ पे जो हो जाएगी कि जितनी बार डेटा इंसर्ट होगा उतनी बार डेटा डिस्प्ले होता रहेगा। तो हम वहां पे क्या करेंगे, फॉर ईच लगा लेंगे। फॉर ईच से क्या होगा, मल्टीपल डेटा लूप लूप लगा लेंगे, लूप एक तरह का फॉर ईच, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है ईजीएस। तो क्या होगा, जितनी बार डेटा इंसर्ट होता रहेगा उतनी बार डेटा वहां पर डिस्प्ले होता रहेगा। तो अब यहां से डेटा वहां कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, लगाओ कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहां पे लिखो डी डॉट, देखो डी डॉट डी सॉरी डी कोलन, डी कोलन कोलन दो बिंदी, और लिख दो डेटा, डेटा। तो अब यहाँ पे क्या क्या था, जो डेटा के अंदर आ रहा है वो हमने किस में रख लिया, डी के अंदर, ठीक है। पहुंचाने के लिए जो डेटा में आ रहा था ना, वो हमने डी ई एफ जो भी आपको नाम रखना वो रख सकते हो, ठीक है। तो जो भी डेटा के अंदर आ रहा था वो हमने किसके अंदर रख दिया, डी के अंदर। तो अब इसके बाद क्या होगा, डेटा कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक डिस्प्ले डॉट ई जी एस की फाइल पे चला जाएगा, और डेटा किस में जाएगा, डी में जाएगा, ठीक है ना। ये लाइन लिखो आप लोग पहले, ये लाइन लिख लो जल्दी फटाफट आप लोग। सब लोग जो है लाइन लिख लें, लिख ली सब लाइन वाली, यस सर, चलो। तो अब चलते हैं अपन कहां पर, ब्लॉक डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आ जाओ, सर कितना देखो करवा दिया अभी? अभी एक ही लाइन लिखवाई मैंने, सर भैया चैट में भेजो से। अरे एक लाइन लिखी, एक लाइन दिखा दो उनको, ठीक है भैया। कर लिया।
हो गया। सर आप वो कर रहे हो सर, एक लास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो सर। हाँ हो रही है। चलो अब देखो सब लोग हाँ सर हो गया आगे। ठीक है चलो अब थोड़ा स्क्रॉल करो ना नीचे आ जाओ। अब सब लोग ब्लॉक डिस्प्ले सब बाकी पे सब बंद कर दो उठा के, कंफ्यूज करते हैं फाइलें सारी सारी फाइलें फोल्डर सब बंद कर देना इससे कंफ्यूज ना हो बच्चे। सब फोल्डर बंद कर लो सारे फोल्डर, एक फाइल खोल दो अकेली ब्लॉक डिस्प्ले, बाकी सब फोल्डर बंद कर लो उठा के इससे कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी। तो देखो हमने सिर्फ एक फाइल खोली है ब्लॉक डिस्प्ले डॉट ई जी एस है ना, क्योंकि हमें डेटा यहीं तो शो कराना है ब्लॉक का जो हमने बैकएंड में लिखा था। तो नीचे आ जाओ टेबल पे, आओ टेबल पे नीचे आओ और नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ और नीचे आओ। टेबल होंगे टेबल टेबल ऊपर होगी तो ऊपर बस बस हाँ ये आ गई ये आ गई। हाँ सब लोग इस टेबल पे आ जाए अपने अपनी, वो टेबल से टेबल बंद कर देना इसमें दिख जाए ना। ऊपर चलना ऊपर थोड़ा ऊपर चलो टेबल से टेबल बंद कर दो यहीं से स्टार्ट है ना। हाँ देखो इतना है, देखो सब लोग टेबल ये सबके में आ रहा होगा टेबल नाम का, ये टेबल क्लास टेबल खोलो टेबल खोलो बंद करो। चलो नीचे आओ नीचे टी आर लगाओ एक और एक टी आर लगाओ टी आर फिर टी डी डालो टी डी डालो डमी डालो डमी टी डी में लिख दो वन देखो वन ऐसे डाल दो वन। इमेज का भी हटा दो फिलहाल के लिए बाद में चलाएंगे तो लगाएंगे ऐसे डाला दो टाइटल ऐसे लिख दो राम कुछ लिख दो राम राम कुछ लिख दो है ना ऐसे लिख दो डिस्क्रिप्शन। सब लोग एक लिखवा रहा हूँ डमी डेटा वो आप लोग भी लिख लें अपने में। आओ नीचे अब फिर नीचे आओ लिखो टी डी फिर लिखो नीचे टी डी लिख के एंटर देना एंटर दे दो एंटर दे दो। अब वो लगाओ एंकर टैग लगाओ एंकर टैग एंकर टैग लगाओ उसके अंदर लिखो बीच में एच आर ई लगा लो और क्लास लगा दो बी टी एन इन्फो क्लास बी टी एन इन्फो इन्फो लगा लो और लिख दो उसमें एड व्यू लिख दो व्यू वी वी कैपिटल वी आई ई डब्ल्यू है ना ऐसे फिर कॉपी कर लो एड डिलीट लिख देना एड और डिलीट इसी एंगल टैग कॉम्बिनेशन पेस्ट कर लो एडिट और डिलीट कर लेना एडिट यहाँ पे सक्सेस कर देना एडिट में और डिलीट में डेंजर लिख देना डेंजर सेव कर दो बस चेक करो पहले इनको दिखाओ कि दिख क्या रहा है। सब लोग यहाँ पे देखो सबको दिख गया यहाँ पे एक डमी डेटा। हमें भी ये काम करना है हमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराना है और फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे डेटा को व्यू कराएंगे एडिट कराएंगे और डिलीट कराएंगे ठीक है। तो अभी आप लोग इस तरीके से डमी डेटा शो करा लो दिखा दो कोड इनको फिर अपन डायनेमिक करेंगे उस डेटा को करें आप लोग काम इतना। अर्जुन आवाज आ रही है यस सर। अब कहाँ चले गए थे सर वो नेटवर्क नहीं आ रहे थे। कितना कवर कर लिया तो? कर लिया सर थोड़ा बहुत। कहाँ थोड़ा वो कहाँ तक कनेक्शन हो गया तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्शन हो गया? वही दिक्कत आ रही है सर नहीं हुआ सर। और थीम सेट हो रखी पूरी? नहीं सर। तो फिर तुम्हें हुआ क्या फिर? सर एक दिन घर पे आऊंगा जब घर पे आने सॉल्यूशन थोड़ा होगा घर पे थोड़ा पूरा टाइम दे दूंगा तुम्हें बैठ के मैं घर पे आने से क्या सॉल्यूशन होगा और घर पे आओगे तो पूरे दिन तुम्हारे साथ रूममेट हूँ मैं। अरे आवाज नहीं आ रही इतना ही गांव में होगा
बोलो कितना किया, कहाँ तक किया, कुछ तो पता चले मुझे, कहाँ तक काम किया बताओ। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, वो एरर आ रही थी, बस तो हमने बुलाया था उस वही टाइम पे, तो दिक्कत आ आए रही थे थी वहीं उस पर। टाइम पे, आए थे जब हमने कहा तो उस टाइम पे आना। सर बताओ मैं याद नहीं रहा था सर उस समय। फिर, अब तो बहुत आगे निकल गया जी, तो अब तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया, डिस्प्ले होने जा रहा है, अभी इंसर्ट हो जाएगा, अब कैसे कवर करोगे सोचो। अभी एरर दिखाना, एरर क्या आ रही है स्क्रीन से, अगर बैच के एंड में ठीक है, मैं अभी और कॉल से ले रहा तो हूँ, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, तो सर वो क्या, वो बताओ नेटवर्क नहीं आ रहे इसलिए कनेक्ट। फिर। तो कोई ऐसा सिम लगाओ जिसके नेटवर्क आते हो, है ना, वाईफाई लगवा लो, या सर मैं भी कुछ ऐसी कोई करता सिम हूँ। लो, ऐसा कोई सिम लो। अब ये तो बहुत छूट गया तुम्हारे, अब मेरे नहीं लगता तुम्हारे पल्ले पड़ेगा ये चीजें। शादी में कौन सी डेट को गए थे? सर वो तो बहुत दिन हो गए, तो तब से डिस्टर्ब चल रहा है, डेट हाँ तब से डिस्टर्ब चल रहा है ना पूरा। सर तो बहुत छूट गया तुम्हारा फिर तो। अब एक काम करो, इसके बाद बैच चलता है 10 से 11 एक और, उसमें सिर्फ अभी एक्सप्रेस में बूट स्टेप सेट कराया है मैंने, ठीक है, अभी इसमें थीम सेट नहीं कराई मैंने कुछ भी, यस तो वो वाला बैच ले लो ठीक है। अभी उसमें थीम सेटअप नहीं हुआ कुछ भी, अभी सिर्फ उसमें क्या हुआ है, कंट्रोलर क्या होते हैं, व्यू क्या होते हैं, राउट क्या होते हैं, और बूट स्टेप सेटअप कैसे करते हैं बस, ठीक है। तो अब उस बैच को ले लो ओके सर। और उम्मीद करना कि रेगुलर रहो सर ठीक है, शादियां तो बनी रहती हैं, रेगुलर ही रहूंगा सर। तो सोचो ना 2 दिन, अगर 2 दिन में शादी में गए तो कवर क्यों नहीं हो पाया, तो इसके मैं 2 रीजन समझता हूँ, आपको पीछे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसीलिए आपने एरर कवर नहीं कर पाए, है ना। जो बंदा रेगुलर रहता है, शिखर, शिखर आवाज आ रही तो मेरी, यस सर, यस शिखर अगर तुम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं चले सर, जाओ, 3 दिन के लिए तुम शादी में चले जाओ कहीं, और अगर मैं YouTube पे हाँ वीडियो अपलोड सर, कर दूं 3 दिन के, तो वो तुम कवर कर लोगे देख के उनको, है हाँ सर ट्राई तो कर ही लूंगा। ना, कवर कर लोगे ना। कि मुस्कान तुमने यस कवर सर, किए कि नहीं किए, बता हाँ सर दो कर रही कब, हूँ मैं, हाँ कर रहे हाँ हो ना, सर, तो कब कर पा रहे हो, जब हमारे पीछे कंसेप्ट क्लियर है तब, अभी तो कब कर पाओगे, जैसे आप मांगे चलो आज की क्लास नहीं दे पाए तो पीछे तक का तो आपका होना चाहिए ना उतना, जैसे आप लोगों का लास्ट क्लास में डिस्प्ले हो गया था कंसोल में, अब आपने मान के चलो आज आपने, आधे बच्चों ने आज की क्लास नहीं दी, अब वो बच्चा ट्यूजडे का क्लास लेगा, तो अब ट्यूजडे से पहले एक दिन वीडियो देखेगा, तो वीडियो देख के कोड आराम समझ लेगा ना वो, क्योंकि तो उसका यहाँ तक हो रखा था कंसोल में डेटा उठने तक का, तो अगर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, यूट्यूब पे भी तब समझ में आपको आएगा जब आपके पीछे के कंसेप्ट क्लियर होंगे, गलत कह रहा हूँ क्या आप लोगों से, YouTube पे वीडियो आपको तभी क्लियर होंगे जब पीछे के कंसेप्ट क्लियर होंगे, वरना नहीं होंगे चीजें क्लियर हो ना, तो ऐसे है तो YouTube पे खूब सारे पड़े हुए चैनल, पीछे का नहीं क्लियर होगा तो आपको नहीं कवर होगा, ये याद रखना इस चीज को आप लोग, समझ तो मैं तो अभी फिर से गए स्टार्ट करूंगा, सोच रहा हूँ ना। हाँ वीडियो कर से। लेना, वही तो वीडियो देखो करते रहो, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए सब लोगों को। चलो आ जाओ सब लोग, कवर करो अनुज अर्जुन, 10 से 11 वाला बैच ले लो ठीक है। ओके सर, सर इसी के बाद 10 बजे या हाँ, डब्ल्यू टी है। और हाँ इसी के बाद चलता है 10 से 11 में। और यादव जी आपका कवर चल रहा है पूरा, यादव जी आवाज आ रही है आपको? नहीं सर अभी कवर नहीं किया मैंने, सर आज ही एग्जाम खत्म हुए हैं, बट मैं नेक्स्ट कवर क्लास कर तक कवर लोगे, कर लूंगी वीडियो देखकर, ट्यूसडे कर तक कर लोगे कवर, लूंगी।
कर लोगी पक्का? यस सर। अगर हाँ नहीं सर कवर कर हो पा रहा लूंगा हो, कहां तक हो रखा था तुम्हारे पास? सर। वो आपने थोड़ा सा सेट करवाया था ना, नेव बार कॉपी पेस्ट करवाया था क्रोम से, मतलब गूगल तो से, अगर तो बस वो वाली अगर क्लास ली थी। ठीक है, अगर सेट नहीं हो पा रहा हो तो इसके बाद 10 से 11 बैच चल रहा है, उसमें अभी थीम सेट ही होगी। मतलब इससे आज ही से करवाऊंगा, है ना, थीम सेट वाला काम, तो बोलिए लो। ठीक है, मतलब इससे 10 क्लास पीछे चल रहा है बस। उसमें थीम, इसमें डिस्प्ले हो रहा है, उसमें थीम सेटअप होगी, फिर एडवर्टाइजमेंट सेटअप होगा। ठीक है, इससे पीछे चल रहा है बैच वो, तो उसमें जाकर कवर करना चाहो उसमें जाकर कवर कर लो। ठीक सर मैं है, भी ज्वाइन कर लूँ क्योंकि मेरा हाँ एक सर कर ठीक है। लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, जिसका छूट गया हो, इसके पीछे बैच चल रहा है, उसको भी उसको ले सकते हो। सब सर, लोग नोड कौन से बैच में चल रहा है? नोड अभी चालू होगा 8 से 9 वाले में चालू होगा, ट्यूसडे को, मतलब वेनसडे को। ठीक है, वेनसडे को 8 से 9 वाले में चालू होगा, 8 से 9 MWF में चालू होगा, उनका मोंगोडी भी हो गया है, उससे चालू होगा। चलो ठीक है, क्योंकि अब सबके पेपर हो गए हैं, अब फोकस कर लो, अपने प्रोजेक्ट रेडी कर लो। 7 सेम में कंपनी आएगी, प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है बनाना। और तो सब ले रहे थे। विशाल और स्तुति, तुम्हारा क्या अपडेट है? मेरा एमुलेटरी क्या क्या क्लास हुई क्या सर मंगलवार अरे अभी एंगुलर के लिए मैं अभी पहले एक लूंगा, कुछ चीजें पूछूंगा तभी तो बुलाऊंगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा किसी को। उनको डिजाइनिंग आनी चाहिए, डिजाइनिंग वेबसाइट लाइव होनी चाहिए, वो कंपलसरी है अब, है ना। तो भाई ठीक है, बता दूंगा जब चालू करूंगा। चलो विशाल और स्तुति कहाँ है? विशाल सर कितना, कंप्लीट स्तुति आपका हाँ सर कंप्लीट है मेरा भी। ठीक है, जिसका छूट गया है पीछे है, या तो वीडियो देख लो, और नहीं है तो इसके बाद जो बैच चलता है ना उसमें टेम्पलेट सेट भी होगी जो ब्लॉग वाली। ठीक है, इसके पीछे चल रहा है बैच वो, तो उसमें भी कवर कर सकते हो। बाकी तो सबका है ही, कवर ही चल रहा है। रोहित कुशवा तुम्हारा, रोहित यस सर कुशवा कवर तो कौन सा आईपीएस कॉलेज से हो? यस सर ठीक, कवर चल रहा है। ठीक है, रौनक का चल रहा होगा, राजीवीर का है, और कौन है, जयराज चल रहा होगा, और तो सब रेगुलर वाले हैं इसमें ज्यादातर। तो चलो और तो सब रेगुलर 3-4 लोग हैं। हाँ सर जी डिजाइनिंग सर, का कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी क्या? तक तो सर अभी तक तो मेरा सही चल रहा है, पर हाँ आगे एग्जाम एंटम है मंडे से, हाँ तो दस इसमें दिन के लेते रहो, लिए। उसके पीछे भी बैच चल ही रहा है, पीछे पीछे भी। ठीक लेकिन है, सर अब वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते रहना सर प्लीज। हाँ ठीक है। डिजाइनिंग का ठीक बैच है चालू वाला है, गुरमा डला तो है पोस्टर, अच्छा जिस मैं किसी को भी करूंगा डिजाइनिंग करनी हो, करवानी हो दोस्तों दोस्तों को, तो रजिस्ट्रेशन करने के बोल देना। 22 या 23 से स्टार्ट होगा डिजाइनिंग का बैच। मोहन हाँ का नया बैच तो चालू होगा जनवरी में। ठीक है, मोहन का नया बैच चालू होगा सर जनवरी एग्जाम फरवरी जनवरी के क्या जब एग्जाम हो जाएंगे ना 10 दिन, 10 दिन तक एग्जाम चलेंगे, तो एग्जाम के बाद वो वीडियो और दोबारा देख के दोबारा करूंगा फिर से, तो हाँ कोई इसलिए नहीं। आप करते रहना हाँ 3-4 ठीक बैच है। पीछे चल रहे हैं, अगर इसमें छूट जाए वहां कवर कर लेना, वहां छूट जाए वहां कवर कर लेना। पीक मैं चलाता रहता हूँ पीछे बैच ऐसे। चलो आ जाओ। ठीक है, अब सिंपल कहने मतलब यह है कि देखो आज आज सैटरडे है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन है, जिनका छूट गया कवर कर लो, है ना। अब तो कुछ काम है नहीं, ऐसा कवर कर लो जल्दी, खत्म हो चीजें। तीन सर ये चार लोग 22 ही हैं दिसंबर बाकी, क्या स्टार्ट हो रहा है सर, जो कौन दिसंबर सा, में स्टार्ट हो रहा है वेब डिजाइनिंग हाँ का सर, वो हाँ WF में रहेगा या TTS में? TTS वो TTS में रहेगा 7 से 8, में 7 से 8 में। ओके सर, हाँ TTS में रहेगा 7 से 8, क्योंकि बस 2 ही स्लॉट खाली है, एक 7 से 8 खाली है, एक 9 से 10 खाली है, तो 9 से 10 वाले में बनेगा मन वाला बैच जनवरी में। ओके सर चलो जिसको भी करना हो, जो भी कोई दोस्त हो सो उसको दे देना, पोस्ट डाल रखा है मैंने ग्रुप में पहले से ही। चलो अब कराते हैं अपन डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले के लिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे फॉरिच, फॉरिच लूप। तो अब ईजीएस के अंदर अपन फॉरिच कैसे लगाते हैं वो आप यहाँ पर देखो। तो अब TR जहाँ एंड हो रहा है ना उसके नीचे आ जाओ, ऊपर वाले 31 के नीचे से, क्योंकि तो हमें लूप लगाना है ना, लूप TR 31 के नीचे से एंड कर लो, 31 के नीचे आके एंटर दे दो, 31 के नीचे यहाँ पे, हाँ यहाँ से एंटर देना। अब हमें लगाना है लूप। अब लूप हमें किसके अंदर चलाना है, इस TR के अंदर।
है ना, जो लूप चलेगा ना वो टीआर के अंदर चलेगा, सब लोग जो टीआर दिया है ये टीआर के अंदर ना, टीडी बने हुए वन राम, इन्हीं के अंदर लूप चलाना है मुझे, टीआर के अंदर, मुझे पूरी टीआर के अंदर लूप चलेगा। तो क्या होगा, जब तो लूप चलेगा तुम क्या करेंगे, इस टीडी को डायनेमिक कर लेंगे, तो जितनी बार डेटा आएगा उतनी बार टीआर चलता रहेगा अपने आप जी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लूप हम स्टार्ट करेंगे वो टीआर के ऊपर स्टार्ट करेंगे, और जो लूप एंड करेंगे वो टीआर के नीचे एंड करेंगे, ठीक है, टीआर के नीचे। क्यों, क्योंकि हमें डेटा डिस्प्ले कराना है एचटीएमएल के फॉर्मेट में, समझ आ रहा है आप लोगों को, हमें एचटीएमएल के फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कराना है। मगर जब हम ईजीएस का कोड करेंगे ना, होता है ना परसेंट स्टार्ट परसेंट एंड वाला, नहीं वही लेस देन परसेंट परसेंट वी ग्रेटर देन, तो उसके अंदर हम एचटीएमएल के कोड नहीं लिख सकते, उसके अंदर हम लोग एचटीएमएल के कोड नहीं लिख सकते, समझ आ रहा है सब लोगों को, जो ईजीएस के सिंटेक्स है ना उसके अंदर अपन एचटीएमएल का कोड नहीं लिख पाएंगे, एरर दे देगा वो। तो जब हम लूप लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, लूप जो स्टार्ट होगा ना वो हम बंद कर लेंगे, ठीक है, और फिर नीचे जो टीआर का एंड हो रहा है वहां पे फिर लूप को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अभी समझाता हूँ कैसे होगा, देखो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब कहने मतलब ये है कि ईजीएस के साथ हम एचटीएमएल को यूज नहीं कर सकते अंदर सिंटेक्स में उसके, बस कैसे अभी आपको दिख जाएगा एरर में, तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। तो चलो करते हैं श्री गणेशाय नमः इसका। फॉर ईच हम लगाने वाले हैं, फॉर ईच इसके अंदर, तो देखो परसेंट वो लेस देन परसेंट, लेस देन परसेंट, और यही लिखो लेस देन परसेंट, वही सिंटेक्स वही रहता है ना इनका, और लिखो डी, डी में आ रहा था ना सब कुछ, लिखा डी डॉट फॉर ईच, फॉर ईच ई कैपिटल लिख देना, फॉर ईच हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर ईच लूप, ये लूप ही है ना, ऐसे वायल होता है ना, वायल चलता रहता है ऐसे, ये जब तक डेटा आता रहेगा तब तक चलता रहेगा। लूप की कहानी क्या होती है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, ऐसे यहाँ चलता है फॉर ईच, ठीक है। यहाँ फॉर ईच लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर डेटा एरे के फॉर्मेट में आ रहा होता है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में, तो अपन लगा फॉर ईच फंक्शन का साइन, और उसके अंदर बनाएंगे अपन एरो फंक्शन, फंक्शन का साइन लगा उसके अंदर एरो फंक्शन, उसके अंदर फॉर ईच के अंदर बनाएंगे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन है ना, और कर्ली ब्रैकेट एरो फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट आके एंटर दे दो। अब देखो ये हमारा बन गया फॉर ईच, अब इसको बंद कर दो नीचे, और बंद करो लाइन नंबर 35 पे, परसेंट लेस देन, हाँ ऐसे लगा दो, परसेंट ग्रेटर देन ये लगा लो, ग्रेटर देन। अब ये आपने बंद कर लिया, ठीक है, मांग चलो। अब इसके अंदर सिंपल लिखो ना एचटीएमएल, अंदर लिखो उसके ना H1 में एचटीएमएल, अंदर उसके बीच में देखना काम नहीं करता यहाँ पर, देखो देखो यहाँ, हेलो 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 हेलो, कुछ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब पहले हम क्या करते हैं, अब चेक करो एरर तो नहीं आ रही कोई, देखो देखो एक वेबसाइट पे, देखो एरर दे गया, सब देख लो, उसने एरर दे दी तुरंत, दिख रहा है एरर, सब पढ़ लो खुद, दिया गया वो एरर दे गया यहाँ पे एरर, क्योंकि हम उसके अंदर एचटीएमएल की चीजें नहीं लगा सकते। कोड में आओ, कोड में आओ सब लोग। अब यहां पे हम, अब देखो अब दे रहा एरर, अब चेक करो, देखो अब क्या एरर दे रहा है, अब कहीं वो एरर नहीं दे रहा ना, जैसे आपने उसके अंदर फॉर ईच के अंदर H1 टैग लगा तो एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर हम एचटीएमएल नहीं लिख सकते। अब भाई जब एचटीएमएल नहीं लिख सकते हम लोग, फिर हम डेटा डिस्प्ले कैसे कराएंगे टेबल के फॉर्मेट में, क्वेश्चन तो ये आ गया ना कि जो टेबल का जो फॉर्मेट है ना टीडी के अंदर डेटा डिस्प्ले कैसे होगा, फिर लूप कैसे चलेगा टेबल के अंदर हमारा जी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमने फॉर ईच वहाँ स्टार्ट किया है ना उसको वहाँ पे एंड कर देंगे, एंड करो परसेंट लेस देन लगाओ, परसेंट ग्रेटर देन, वो लाइन नंबर 32 पर 32 पर यहाँ पे परसेंट ग्रेटर देन,
ठीक है, यहां स्टार्ट किया हमने, यहां बंद कर दिया, साइन लगा दिया ना। अब टी आर वाला कोड कॉपी करो, ये टी आर वाला कोड, ये पूरा टी आर बंद कर लो, वहां से बंद कर लो ना, टी आर से टी आर, हाँ ऐसे उठा लो। अब उठाओ उसके अंदर डाल दो, बीच में डाल दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो जो है ना, अब ये जो फॉरिच लूप जो खुला हुआ है नीचे, देखो नीचे नीचे आओ, यहाँ पर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर भी बंद करना पड़ेगा इसको। अब यहाँ क्या करना होगा, पहले हमें फॉरिच को खोलना होगा फिर बंद करना होगा। तो पहले बगल में आओ इसके, कर्ली ब्रैकेट से बगल में आओ, कर्ली ब्रैकेट से बगल में, हाँ देखो लेस देन परसेंट, लेस देन परसेंट, और जे उठा के नीचे बगल में लगा दो, उसके बगल में, बगल में लगा दो उसके ऐसे, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। अब देखो आपको एरर नहीं आएगी, अब देखो कोई एरर नहीं दे रहा होगा, देखो अब यहाँ पे उसने क्या दिखाया, दो दिखा दिए, दो दो दिखाया ना, क्योंकि दो रिकॉर्ड इंसर्ट है ना आपके डेटाबेस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लूप चल गया ना, देखो सब लोग लूप चल गया ना हमारा, दो फील्ड आ गई ना, लूप चल गया, बस डेटा डिस्प्ले कराना रह गया इसमें हमारा, है ना। कोड में आओ, तो समझ में आया, हमने पहले क्या किया, पहले हमने वहाँ पे जो जो फॉरिज का जो कर लिया स्टार्ट हुआ था उसको मैंने वहाँ पे परसेंट लगा बंद कर लिया, और फिर नीचे उसको स्टार्ट करके बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि हम एचटीएमएल का कोड कर पा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। चलो आओ उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो भी हट जाएगा जब दोबारा चलाओगे, तो अभी चलने दो हट जाएगा दोबारा चलाओगे। तो चलो अब इसके अंदर आते हैं बीच में, अब क्या करना होगा, अब हमें डेटा डिस्प्ले कराना है, तो जो अभी डी के अंदर आ रहा था अब हमें फॉरिज के अंदर भी तो रखना पड़ेगा, फॉरिज के अंदर, तो जो एरो फंक्शन दिया ना, एरो फंक्शन उसमें लिख दो, लिख दो ब्लॉक, कुछ लिख दो ब्लॉक, या बी लिख दो, बी कुछ लिख दो, बी लिख दो ब्लॉक, कुछ लिख दो बी लिख दो, सिंपल है। जो डी में आ रहा है वो हमने फॉर ईच के अंदर बी में रख दिया, ठीक है। जो डी में आ रहा था ना वहाँ से वो हम फॉर ईच के अंदर एरो फंक्शन रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप इसमें शो करा पाओगे यहाँ पे नीचे। तो चलो अब नीचे आ जाओ, अब नीचे शो कराते अपन, आ जाओ चलो लिखो, अब इसमें आ जाओ, एक उसको 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 मत छेड़ो भाई, हाँ अब नीचे वाले में आ जाओ, चलो उसको छेड़ लो, छेड़ लो भी छेड़ लो, तुम चलो लगाओ परसेंट, कोई लेस देन परसेंट। अब देखो डिस्प्ले कैसे कराते हैं, ईजीएस के अंदर डिस्प्ले कैसे कराते हैं, जैसे अपन प्रिंट का यूज करते हैं, प्रिंट का रुको रुको, जैसे पाइथन में प्रिंट का यूज करते हो, है ना, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हो, अब यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा, तो यहाँ पे यूज करते हैं परसेंट इक्वल, क्या लगाते हैं अपन, परसेंट इक्वल साथ में आएगा, परसेंट नहीं नहीं उसमें वहां पर, अरे यहाँ नहीं, एक नहीं इक्वल लगाओ, परसेंट लगा हुआ पहले से, इक्वल इक्वल और स्पेस दो और परसेंट ग्रेटर देन बंद कर दो, सिंटेक्स बंद कर दो उसका, हाँ ये सिंटेक्स होता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले कराने का होता है सिंटेक्स, ठीक है। ये सिंटेक्स है ना वो डिस्प्ले, जैसे माइनस लगाते हैं तो वो उससे इंक्लूड होता है, इक्वल लग गया तो ये काम किसका करेगा, परसेंट का काम करता है, ठीक है। ये काम किसका होगा, यहाँ पे इक्वल परसेंट, स्पेस मत देना है, साथ में रहेगा। अब आप लिखो, अब डेटा डिस्प्ले भी तो कराना, लिखो वी डॉट, लिखो बी 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 में आ रहा ना डेटा के, बी डॉट अंडरस्कोर आई डी, अंडरस्कोर आई डी, अंडरस्कोर आई डी ले लो भी, जैसे आपको आई डी दिख जाए, फिर अपन सीरियल नंबर शो करा देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे यहाँ करो नीचे सेम, वी डॉट नेम, वी डॉट टाइटल और वी डॉट डिस्क्रिप्शन, वी डॉट बी में ले लिया ना, वी डॉट टाइटल, यहाँ पर टाइटल कौन सा आएगा, जो आपने मॉडल के अंदर फील्ड बनाई थी वो, याद रखना जो आपने मॉडल के अंदर फील्ड बनाई है ना वही फील्ड यहाँ पे आएगी, वी डॉट डिस्क्रिप्शन। अब हम जितनी बार डेटा इंसर्ट करेंगे उतनी बार यहाँ पे लूप चलता रहेगा जी। अब चेक कर लो डेटा उठ के आ गया होगा, देखो डिस्प्ले हो गया होगा, देखो आ गया, सब देख लो यहाँ पे आईडी आ गई, वो डेटा उठ के आ गया। अब एक काम करो, एक मोंगोडीबी से डेटा इंसर्ट करना, मोंगोडीबी से डेटा इंसर्ट करना, तो तुम्हें अपने आप यहां दिख जाएगा, यही सेम काम प्रैक्टिस वाले फोल्डर में कर लेना सब लोग। मैं आपको डिस्प्ले तक ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि जिससे आपको दो दिन फिर दे रहा हूँ, दो दिन में सब लोगों का डिस्प्ले तक कवर होना चाहिए।
बस अब देखो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हो गए, अब वहां पे जाके रिफ्रेश कर दो, 3 बार दिख जाएगा आपको खुद ही। देखो दिख गए 3, दिख रहा है? जितनी बार डेटा इंसर्ट होगा उतनी बार यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा। अब इनको दिखा दो कोड, अब आप लोग करें। सब लोग कर ले आता है कि